ये सब ऐसा क्यों लगता है, अब सब कुछ बेकार लगता है। पड़ गया भारी मुझे मेरा मजाकिया लहजा, मेरा इकरार भी उसे मजाक लगता है। मेरा इकरार भी उसे मजाक लगता है, जब सुने कि पंख धरो जमी पे आओ, आसमान में क्या रखा है। पंख धरो जमी पे आओ, आसमान में क्या रखा है। इश्क करो नशे में रहो, शराब में क्या रखा है। इश्क करो नशे में रहो, शराब में क्या रखा है। और एक सुने कि चांद झांकता है खिड़की से तुम्हें, तुम पर्दा लगाया करो। जब घर से निकलो तो हिजाब लगाया करो। चांद झांकता है खिड़की से तुम्हें, तुम पर्दा लगाया करो। चांद झांकता है खिड़की से तुम्हें, तुम पर्दा लगाया करो। घर से निकलो तो हिजाब लगाया करो। और काला टीका काफी नहीं हिफाजत को तुम्हारी, एक काम करो तैयार होके हमें दिखाया करो। एक काम करो तैयार होके हमें दिखाया करो। और सुने कि वक्त की घड़ी में भी, वक्त की घड़ी में भी दर्द लिखा है, यहाँ बैठा हर शख्स पढ़ा लिखा है। और मैं खुद को गंवार समझता हूँ, मतलब सिर्फ किताब पढ़ता हूँ, मुझे क्या पता किस चेहरे पे क्या लिखा। मुझे क्या पता कि किस चेहरे पे क्या लिखा है। और एक सुने कि कुछ ख्वाब दिल में जगा लिया है हमने, उतरा चांद जमी पे उसको चुरा लिया है हम। और तुम मेरी बन जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊं, इस दुआ में दरगाह पे चादर चढ़ा दिया हमने। इस दुआ में दरगाह पे चादर चढ़ा दिया है हमने। और कोई रकीब न हो हम दोनों के दरमियां, इसलिए तो करवा चौथ भी उठा लिया हमने। इसलिए तो करवा चौथ भी उठा लिया है हमने। और चांद तारों को सजा सको तुम श्रृंगार में अपने, चांद तारों को सजा सको तुम श्रृंगार में अपने, इसलिए तो आसमान में घर बना लिया हमने। और एक मैंने पोयम लिखा था, मेरा गांव, मेरे घर मेरी भैया की साली आई थी, हालांकि कोई कुछ है नहीं ऐसा, तो वही मेरे दोस्त जो गांव से तुरंत इन्फॉर्म करते, भैया तेरी भैया की साली आई है, बड़ी टॉप लग रही है, तुरंत फ़ोन किए मेरे पास। अभी वो मेरे घर भी नहीं पहुंची, रास्ते में देख के फ़ोन कर दिए, और ऊपर से ये कह रहे कि तेरा भांजा उसे घुमा रहा है, और दर्द भैया। तब मैंने लिखा कि आप बैठ मेरी गड्डी पे, तुमको गांव दिखा के लाऊं, कहीं किसी ठेले से कुलचे चाट खिला के लाऊं। और इश्क मोहब्बत की बातों में यूं उलझ जाएं हम, चल कई ऐसे किस्से सुना के लाऊं, आप बैठ मेरी गड्डी पे, तुमको गांव दिखा के लाऊं। कहीं कोई नई सुबह तो कहीं पुरानी शाम, कहीं कोई नई सुबह तो कहीं पुरानी शाम, आ कई ऐसे मंजर तुम्हें दिखाऊं, आप बैठ मेरी गड्डी पे, तुमको गांव दिखा के लाऊं। आप बैठ मेरी गड्डी पे, तुमको गांव दिखा के लाऊं। और गांव के मंदिर का मेला, मेले में नए झमेले और नाटक का मंचन तुम्हें दिखाऊं, आप बैठ मेरी गड्डी पे, तुमको गांव दिखा के लाऊं। और देखिए भाई, साली आएगी तो नोक झोंक तो होगा ही, कि हंसी ठिठोली नोक झोंक भागम भाग में, करे नुकसान जो कोई, आगे खड़ा करूं मैं तुमको बापू की डांट सुनाऊं, अब बैठ मेरी गड्डी पे, तुमको गांव दिखा के लाऊं। अब बैठ मेरी गड्डी पे। और एक सुना कि कपड़े तो चमक रहे पर दिल का पता नहीं, आप तो अच्छे हो पर आपके हरकतों का पता नहीं। और मुझे मेरे कुछ दोस्त हैं कॉलेज के जो पागल कहते हैं, कह रहे तो बड़ा शुद्ध हिंदी बोलता है। हाँ तो भैया, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, भैया मैं सिर्फ 14 सितंबर हिंदी दिवस को नहीं लगाता कि हिंदी गर्व शर्म की नहीं, गर्व की भाषा है, उसे फॉलो भी करता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मुझे इंग्लिश जरा सी आती भी नहीं। तब मैं लिखा कि जैसा मेरा लहजा है वैसा मैं हूँ नहीं, यानी जैसा सब कहते हैं वैसा मैं हूँ नहीं, यानी जैसा सब कहते हैं वैसा मैं हूँ नहीं। और हैरान होना तो लाजिम है पढ़ाकू लोगों का, वो जितना सोचते हैं उतना आसान मैं हूँ नहीं। सोने वाले और जॉन इलिया को जो लोग समझते होंगे वो रिलेट करेंगे दो लाइनों से, कि जाने वाले मुझ पे रहम कर गए, मैं कुछ नहीं था मुझे जॉन इलिया कर गए। थैंक यू, थैंक यू।